फिर जगाना तो नहीं सी, पर कबर ही चांद लगिया तेरा दल याद आया, ते दी सलजी नला बचिया बलचा। सिर ते अखा चुकन की हिम्मत होती तो यह पता भी लग जाता कि नींदे रिच डुबे हुए बलोच न मेरे गरीबान खुला देख के किन्नी को गैर पाई है। कुछ तो बोल बलोचा, कुछ तो मंदा को पूछ ले, ऐ ना हो तेरा टल बचा रहे। उदो तक खुली रहती है जब तक जालिम अपने जुल्म समेत मिट नहीं जाता। तू ऐस यकीन नाल बोलती रहो, इंसाफ हर कीमत होगा। जवान तियां नू कुछ दावे को जय भी लगते ने खान बलोचा, जिदा का दारू तिया मंग दिया जरूर ने, पर वखान की हिम्मत नहीं होती। कुछ दुखे दी अखा चो दिस है, कुछ दावे का खुला गिरे बन दस है। तू की पूछ रहे मेरे निशान तक तुम्हें बखाने मेरे को सुना। मैंने इसे पिंडा चाजी बुलंद बख्त चुके लै गया पर अपनी जान से खेल के जब मैं अपनी आन बचा के वापस आई तो मेरी इज्जत मेरे पिछले प्राण ही यकीन किया। बदनामी राजदेसी का दुख लैके मैं तेरे को अपनी नवी मंजिल का पता पिछड़ आई बलोचा, या मैंने अपने तक समेत दफन कर दे मेरा चुकिया से चुक दे। जिथे अन्ना बोली है उसे भी दस देती है कि बुलंद पक्ष ने तेन राती चुकया या तुम दिन तैयार हो समझ ले। जो तू मेरा दुपट्टा मेरे पैरों चाया सूरज मेरे सिर पे सी फिर दिन चले अपने सके प्राण लैके मेरे को आ जाई तेरे नंगे सिर की थावे जब सूरज तेरे सुके जान के वक्त आ गया ओनू जालिम ते कष्ट कर दियांगा। कुत्ते भौंकण ते घर दे मालिक की अख खुल जाती है, वड्डा मालिक कितने सौ गया नगर नु अपने सिर तो उतार करके देख ले। तेरा नाम बुलंद बख्त है ते अगे वध के एक कस नाल सीधे सिर ते पग रखते ते दूजे हाथ नाल अपनी धी का सिर नंगा करके ओनू मेरे सामने लाया। बाहों के बच्चिया की थान देख के बुलंद बख्त के सिर से पकड़ लग गए। तेरी आवाज सुन के मेरी हवेली की छत हिल जाए। बुलंद बख्त के सामने बस वक्त आया। मेरा नाम खान बलोच है, सारा जग जानता है। जालिम दे बुरे से आ जावा, हक के बदले हक ते लत के बदले लत लैके जावा। अरे हाली भी दे जाई कुड़ी नु मेरे कमरे च बंद करके कुली ला दे बलोचा। ये मेरे मत्थे ते बस पै गया तो तेरे पिंड की वाज बह जाती। जो कुछ करना है कर ला बुलंद बख्त,
बलोच का उसूल है। ना फरियाद सुन लगे शेर करता है, ना फैसला कर चुके होंगी है। और बलोच से पिछली चुके नहीं किसा तुम्हें उन्होंने टांगा ना डेग लगे हो। सोने मैं वा पुत्रा फैसला मैं किया सी, देते अमल भी मैं ही करांगा। तुहाडा हुक्म फिर मत्थे ते, जे पुत्र किया जे ते पुत्र प्यो दी कण लंगी नहीं होन देगा, नहीं होन देगा। फैसला करन तो पहले बहुत सोचना चाहिए, फैसला करके कभी नहीं सोचा। सरदार बलोचा कुड़ी नु घोड़े तो थले ला दे पुत्रा, जे हो करना सी तो चकवाण दी की लोड़ सी। छुपाना इंसाफ से चुप के ला जाना इंतकाम है, तेन छड़ देना इंसानियत है पुत्रा। तू इन इतो चुप के उसे भी ला जा पुत्रा, जिथे जाके सूरज डुबदा पर फिर भी तेरी भैन के मत्थे ते लगाया दाग नहीं जा सकता। तू इन छड़ के गैरता लई मिसाल पैदा कर जा पुत्रा, के बंदा ओ ही हुंदा जिन्हूं ऐश च रब भी याद रवे, जिन्हूं तैश च रब का खौफ हो। तेरे इंसाफ की इंसाफ लचा मेरे इंतकाम का अखीर नहीं हो सकता। जे साडे इंसाफ से यकीन रखना पुत्रा, फिर साडा ईमान है
तो तेरी भैन की इज्जत महफूज है। जे ओदी इज्जत नहीं लुटी गई, बेहद इज्जत भी नहीं लुटी जा सकती। जा पुत्रा, अपनी भैन नू लैके टुर जा। तेरे पूरे ते इंसाफ दा तन ठीक लगा बलोचा। आ मंदा घर चलिए। तैनू सिर्फ फैसले चुकवाया सी तीए के जदो लोकी चौधरी बुलंद बख्त नू चुकी धी दा प्यो कहणगे प्यो लोकां दीआं तीआं पैणा वलों कंड करके चलेगा। अपनी बिस्ती ए सोच के भुल जाई तीए के कदी कदी प्यूआं दा बीजा होया औलाद नू भी कटना पै जांदा है। तेरी इस गल नाल मेरा ये दुख दाग मिट नहीं सकता बलोचा। तेरा इंसाफ मेरी जागीर में देखे ते मेरा इंतकाम सारा जग देखेगा। जरा वीरा ने तरीख ते लैन वाली गदी ते आउंदे किसी दे वीर नहीं, अपने मुजरम लेके आए हैं। हमजद खान। यस सर। इन्हें सारे थले ला रहा है। ओके सर। ओ एक कौन बुलावा ने भैया? चौधरी बुलंद बख्त के पुत्र ने पुलिस नाल बोरी विच बंद करके ना लिया यक्का छक्का पा के जान कर दे कचहरी जाते ने। सुन रहे हो बुलंद बख्त के पुत्र, लोकी की कह रहे हैं जब देख नहीं सकते तो कन ना के सिर होने अखा च अखा पा के जान कर लैन वाले बला भरावा की कली पहनता और सिर भी लगा दे तो गिरबान भी खुला के जब देख ले आज तो सुन भी ना मावे तुहाडी भैन दे ऐस गिरबान तक खान बलोच दे उत्तनी दा हाथ पहुंचिया तो तुहाडे दिल दे सामने पहुंचिया। जे तुसी सत्ता पर्दियां दी छां हो जम्मन ते जवान होण वाली भैन नू ऐसे तरह बेइज्जत करवा के कचहरी टुर जाना ते ऐसे दसदे जावे इक बोरी मैं नी मुंह ते पा के किते खुश जा दिनी आ। तेरा दुख बजावे कुड़िए, पर ए फुल तैनू किन्ने पा दित्ती है? ए सारे मेरे पैरे चो नस नी सकदे ने। मैं तेरे पैरे दी नहीं गल कर रही हूं साथ जिन छल बजे न पुलसा रेंदिया ने तो न पैर Thank you.
अपने पिंड हर बुआ बंद देख के तेन समझ जाना चाहिए है के बलावा कितों आया ने बगारती का तूफान पलंग बहती दिन उठा तो याद रखना खान पलोच का दूजी बारी टल बज गया ते पहले तुहाडी पैर चुकी गई सी ते हुण तुहाडी पूरी नजर चुकी जाएगी पैर साडी नूं आसमान नहीं हाथ पाता ते उहनूं जमीन ते लै आंदे तू ते जमीन दा सब तू कमजोर सी रहे काम का इश्चर उन जितों जितों लंघेगा अपनी भैन की बेगैरती बेलती का एक नवा किस्सा सुनेगा कुछ रस्म रह गई ने पर तेन मतलब तेरे खसम दे इंसाफ का त्योहार निशान मिटा दिता है हूं वेखेंगे साडे इंतकाम दे निशान किवें मिटने Ha ha ha.
दिमाग की चोट लगन नाल अपनी यादा खो बैठा है। खबरें किधर पीछे दौड़ता दौड़ता किधर कोलो पिछड़ गया मार सके वे तू किधर जगह का टुकड़ा है किधर आंखा का चानन है मैनू दसते सही मैं तेन लैके किथे जावा किनू पुछा की करा मैं लैके किथे जाना है तेरा भी तो इस दुनिया च कोई नहीं तेनू अपना पुत्र बना लिया हो सकता है यह जवान होके तेरे बुढ़ापे का सहारा बन जाए कभी अदमो ही लाश को चुप करके पुछती फिरेंगी किता किता तल खड़काएंगी जी को क्यों नहीं मन सब बन के सवाल कर के मैं की चाहना फिर छेती दस की चाहना कुछ आप देख ले तो कुछ मेरे को पूछ लिया जे पूछण की हिम्मत नहीं रही है तो फिर सुन ला मुनसफा मैं खून दे बदले खून तो मैं बदले मां चलवा याद रखी कत्ल नहीं हुई ए सब कुछ हो गई तेरा पुत्र तेन नहीं दस सकता चाहता तो ऐसी कि मैं वे भरा वो दिशा के पिछे टुर जाता पर इंतकाम लैन के बजाय तेरे को इंसाफ मंगन आ गया तो यकीन कर ल मैं तेरे से मान करने की इंतहा कर दी हूं मेरे मान न तेरी मैं यकीन प्यावे तेन मेरी मां के मरण का दुख लगे घबरा ना मैं तेरी मां को वापस तो नहीं लिया सकता पर तेरी मां के कातलों को तख्तादार तक जरूर ले जावगा देर बाद ही बोलिया दुख नो नल सिर्फ दे दी मेरी मां खेल च नहीं तेरी चाचीन कतल चलोचा तो कतल मैं कतल ना पता ते दस पुत्रा जे पता ना पुत्र मां की लाश तो पहले उन्होंने लाश लेके आ जाता छेती छेती बोल छे तो नहीं लग सकता तो मैं आप लग लगा नहीं नहीं कानून अपने हाथ च नहीं लेगा पुत्रा जो तेरे ना लेते इंसाफ ना भी हो सकया तो हशर दे मैदान च हो जाएगा एदा मतलब है मैदान की मेरी मां की पेशी शागीर ने सुनिया सुनेगा नहीं लो सकना नहीं लौटा Oh!
तेरे इंसाफ से तूला का निशान होती सी बलोचा। इंसाफ की यह संजीर अज लोगों की अदाफ बन गई है जवाब से। जो कानून तेरे पुत्र से हाथ खिंचा गया तेरी कानून वाल कल क्यों हो गई है? इस सवाल तो पहला कीमत की खादी रोक फाइल पढ़ साफ बादर जिसे पहले सफे से मेरी बीवी का कदम करके क्या यह सच नहीं क्यों ना कातला सजा मिल जाती थी? है संजीव, है संजीव अज भी मेरे बुए से होंगी। मैनू तारे का प्यो नहीं वो भरोस चाहिए कि इंसाफ से हुंदिया आने का रोज नाम क्या पत गया। जदों की है संजीव टूटी है साफ बादर मैं तो अपनी हवेली का बुआ ही बंद कर दिया कि चार कंधा की उस कबर च मैं अज भी अपनी बीवी के उन्हें कातलों को उड़ीक रहा। तो क्या सकना सारे बलोच का आदाब साढ़े सिर तो किस तरह कर सकता है? असं उन्होंने कई बार फड़ के अदालत च लैके आए हैं पर उन्हें खिलाफ कोई भी गवाह नहीं होता। यह अदालत उन्होंने बरी कर दी है तो वह बरी होंगे ही हाथ चुक लगा। क्या तुहाडे च कोई ऐसा इंस्पैक्टर नहीं जेड़ा किसे शरीर के मोढ़े से हाथ रखे तो वह तारे के खिलाफ गवाह बन जाए? ताकत मेरे हाथ च सर मैंने सर फिर दस दिता जाए मेरे रख किसी भी सोहनी कुड़ी के मोढ़े नाल खलोता होगा।
दुध ला लो दुध दासियों का दुध ला लो इंज लगता है जिवें जन्नत की हूर जमीन पे आ गई है। अच्छा दुध ला लो दुध दासियों का दुध ला लो मेरी पसंद का फुल जमीन से हो पावे आसमान से मैं तोड़ना नहीं कदम मैं सोच के चुकी ने तेरे बलोच की जागीर तेरे हाथ आसमान तक भी लम्बे हो ते बलोच दिया बावा तो अगे नहीं जा सकते मैं बुलंद बख्त के पुत्रा दी बाह पहला पैर चुका ते पहाड़ दी चोटी आ जाती है सारा किस पाख दी मूली है सब तो बड़ा अजाब तेरे वर्गे कई कुत्ते पहुंचते ने पर कुत्ता किसी नस्ल का भी होवे मैं उन्हें पटा पाना चाहना वा खून अंदर भी हो जाए कतल अंदर भी हो जो वेखण का हौसला है या तेनू लाश विखाव बावा थले कर ताजिए साहब नू भी तो पता लगे कि लाश किनू कहते हैं Thank you.
ਸਾਹਿਬ ਫੇਰ ਸਾਹਿਬ ਇਹਦੇ ਵੱਲ ਖੋਰ ਨਾਲ ਦੇਖ ਇਹੋ ਜੀ ਲਾਸ਼ ਨੂੰ ਕੱਚਿਆ ਕਿਵੇਂ ਜਾਂਦਾ ਸਾਹਿਬ ਬਾਹਰ ਪਈ ਲਾਸ਼ ਨੂੰ ਖੈਰ ਵੀ ਕਫਨ ਪਾ ਦੇਣਗੇ ਪਰ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਆਪਣੇ ਸੱਚੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੱਢ ਸਕਦੇ ਬਦਮਾਸ਼ ਦੇ ਵਾਰਸ ਸਿਰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਤਾਰੇ ਬਲੋਚ ਨੇ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਪਰ ਇਹਦੇ ਵਾਰਸ ਦੇ ਸਿਰ ਸੁੱਟ ਕੇ ਵੀ ਆਪਣਾ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਠੀਕ ਕਹਿੰਦੇ ਤਾਂ ਯਾਰ ਜੇ ਮੈਂ ਠੀਕ ਕਹਿਣਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਵਰਕੇ ਤੇ ਲਿਖ ਦਿਓ ਕੇਸ ਤਾਂ ਤੇ ਲੱਗੇ ਦਾਗ ਤੋੜ ਲਈ ਹਰ ਵੇਲੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਤਾਲਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ मैं चुकी ऐसी नहीं कर सकता ये वर्दी किसी होर की छाती से सजा जुड़ सके मैं इस कानून ध्यान नहीं रख सकता ए सोचना पुलिस से कहना चोर में इंस्पेक्टर ए वर्दी ये वर्दी पा के पैना नंगा वेखना पैंदा है सर पानी सिरों लंघता जा रहा है इंस्पेक्टर ਹੁਣ ਸਿਰਫ ਇੱਕੋ ਹੀ ਸੂਰਤ ਹੈ ਸਾਰੇ ਨੂੰ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏ ਲੇਕਿਨ ਗੁਰਿੰਦ ਆਰਡਰ ਲੈਣ ਲਈ ਤਾਰੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸਬੂਤ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਸਰ ਮੈਨੂੰ ਤਾਰਾ ਤਖਤਾਦਾਰ ਤੇ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਹਰ ਕੀਮਤ ਤੇ ਚਾਹੀਦਾ ਉਹਦੀ ਇੱਕੋ ਸੂਰਤ ਹੈ ਸਰ ਲੋਹੇ ਨੂੰ ਕੱਟਣ ਲਈ ਲੋਹਾ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਸਮਝਿਆ ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਵਾ ਸਰ ਰੰਗਪੁਰ ਵਾਲਾ ਲਾਲੂ ਬਦਮਾਸ਼ ਤਾਰੇ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਡਾ ਬਦਮਾਸ਼ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਗੋਲੀ ਦੇ ਆਰਡਰ ਕੀਤੇ ਨੇ ਸਰ ਉਹਨੂੰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕੋਈ ਅਫਸਰ ਗੋਲੀ ਨਹੀਂ ਮਾਰ ਸਕਿਆ ਤੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਜਿਸ ਅਫਸਰ ਕੋਲ ਵੀ ਉਹਦੀ ਫਾਈਲ ਆਈ ਹੈ ਉਹ ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਥਾਣੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣਦਾ ਵਾਂ ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਸਰ ਮਾਵਾਂ ਦੇ ਅਥਰੇ ਪੁੱਤਰ ਮਾਰਨਾ ਉਹਦਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਤਾਰੇ ਨੂੰ ਕਬਰ 'ਚ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਦੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਇਲਾਕਾ ਪਾਬੰਦ ਕਰ ਦਿਓ ਉਹ ਕਿਸ ਪਿੰਡ ਰਹਿੰਦਾ ਉਹ ਪਿੰਡ ਨਹੀਂ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਕਬਰਸਤਾਨ 'ਚ ਰਹਿੰਦਾ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨਵੀਂ ਕਬਰ ਦੇ ਸਿਰਾਣੇ ਖਲੋ ਕੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਉਡੀਕਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਪਰ ਕਾਨੂੰਨ ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਕੰਡ ਕਰਕੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦਾ ਉਸ ਕਬਰਸਤਾਨ 'ਚ ਹੁਣ ਮੈਂ ਆਪ ਜਾਵਾਂਗਾ ਕਬਰ ਤੇ ਦੀਵਾ ਕਿਉਂ ਬਲਦੇ ਐ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਬਲਿਆ ਸਾਹਿਬ ਬਹਾਦਰ ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਅੱਖਾਂ ਦੀਵੇ ਦੇ ਚਾਨਣੇ ਹਰ ਰਾਤ ਲਾਲੂ ਦੇ ਜ਼ੁਰਮ ਦਾ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਪੜ ਪੜ ਕੇ ਅੰਨੀਆਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਕਬਰ ਵੀ ਲਾਲੂ ਕੱਟ ਕੇ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਕਬਰ ਕੱਟ ਜਾਵੇ ਉਹਦੀ ਲਾਸ਼ ਦੀਵਾ ਬੁੱਝਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲੈ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਦੇਖਣਾ ਵਾ ਅੱਜ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜੁਰਮ ਕਿਸ ਜੁਰਤ ਨਾਲ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਆਪਣੀ ਮੌਤ ਤੇ ਮੋਰ ਲਵਾ ਹੀ ਲਈਏ
किस बला दे मथे आ लगे साफ बहादुर थाने जावा ते मेरे कोलो कानून भी कब जाए मैदान लावा ते कब्रा दा शहर वस जांदा है ना मैं सज्जन चंगा वां ना मैं दुश्मन चंगा वां ना कदी मैं अपनी खैर मंगीए ते ना किसे दी खैर मंगना वां तू मेरे कोलो की लैण आया है साहब मैं तेरे कोलो सिर्फ तेरी जान लैण आया लालू मैं लालू नहीं तेरे सामने लालू नहीं खलोता साहब बहादुर मैं लालू का कातल ला बटे साहब मत्थे ते वक्त पाण की लोड़ इसलिए नहीं कि मैं कोई बिगड़िया बदमाश नहीं मैं तेरे मकमे का एसपी मेरा नाम हैदर है सर उसूल मेरा अपने इलाके चो बदमाशा दे मेन स्विच ऑफ करना गिट वेरी गुड मैनू पहली शक सी कि लोही नू सिर्फ लोहा ही कर सकता है तेरी जरूरत बहादरी देख के मैं तेनू ऐसे वेले कान बलोच की जगीर तैनात करना वा उथे किन्ने कु लालू रहिंदे ने सर कोई तारा तेन लखा लालू भुला देगा हैदर ओदे जुर्म बेशुमार ने ते गवाह एक भी नहीं मैं उम्मीद करना वा कि तू उन्हू गवाह समेत बड़ी छेती गिरफ्तार करके कानून के हवाले कर देगा रब दे चाया ते ओदे खिलाफ ओदा पहला गवाह ओदा प्यो ही होगा करण दा वल ते भूल चुका है पर फिर भी टूटे टल की आवाज सुन के पूछना आदत बन गई है दस तेरे ते जुल्म किने कीता आपे इंसाफ कर इस बला ते जुल्म हो सकते टल की आवाज सुनी सी ते मजलूम लगा सी मूह जोर लगा दस कौन है तू ते इत्थे की लैणा है थाने की नफरी वध गई थानेदारा दे तबादले हो गए सिपाहियां दियां छुट्टियां मंसूख हो गई पुलिस दे पेट्रोल मुक गए पर तेरा पुत्र फिर भी काबू नहीं सुलेमानी टोपी से जे थाने आया ते दौड़न ले नवे बूट ले लै जे दुश्मन दे पिंडो आया ते वसीयत लखवा लै जे सजन बन के आया ते सिर अखा ते बह जा ए खान बलोच की हवेली है एदी छत मिट्टी जम सकती है मौत तो डरना ले कभी नहीं जमे सबके जावा तेरे कुटिया लुच्चा ऊट ते बह बह के मैनू तेरा गाटा भी ऊट वांगू उच्चा ही लगता है पर सुन मैं गुजरिया वेख मैं गुजरिया गज्जिया ते ऐंजे जिवें इत्थे कोई तोपा फिट नहीं समझा मैं भी वही सा के इत्थे आन दिया ही मैं कुछ देव वेखांगा कुछ चिन्ह चिपड़ंगे कुछ दायरा मिलणगी ते मैं इत्थे अंदर पैर पांदिया खिलन खुलन जावांगा पर तू ते सिर्फ गल्लां नाल ही पूरा कीती जा रहा खिडौणिया दस गल्लां कित्थे प्यो दीप
गिरट करना छड़ दिता है। वो इनी वारी तो दिल च वुदू नहीं करीदा, इनी वारी तेन साफ करना पैंदा। तो मेरे पीछे तो कभी मेरा प्यो नहीं आया ताजिए, तू की लैन आ गई है? प्यो ने तो तेरी लोड़ नहीं, पर सानू तो तेरी लोड़ है ना ताजिए। बाहर दी जड़ी गड्डी ते मैं सवार हाँ, पता ते आली पहला स्टेशन नहीं हो आया, तू की सोच के साढ़े पीछे लग गई है। ऐस नहीं कि मैं देखा सानी काठी चकंदी ना, तो फिर इस यकीन नाल तू एडिया चुप के तुरदी रहो। जदों भी तेनू किसी ने मैली अख नाल वेख्या तारे बलोच की यह जंजीर जरूर घूमेगी। पर हुण जिहड़े लोग तेरे नां दे नाल ताजी दा नां लैंदे ने, मैं उहनां नूं की जवाब दियां? जवाब है सोच के देनी बलोचा कि ताजी ने दूजा घर ते दूजा वर नहीं लभना। ओए ख्वाब ते कोई बलोचड़ी देख सकती है? हाँ हाँ, ते मैं तेन मुसलन लग गई है।
लालू के वारसी काफी सन उत्तों जदों उन्होंने यार आ गए कैदियों की जान निकल गई। चित्र कर लालू के वारसा के यार अज बरी हो रहे हैं, नहीं तो इतने हर दूजे दिन किसी ना किसी कैदी दिल का दौरा पै जाता। सुन रहे हो लालू के वारसो, किसी वाह बन जाइए दहशत दिया तुम्हें पै जा ने। जब साड़ी इनी दहशत होंगी तो सारा बलौज एक रन तो चिड़के साढ़े चार कुत्ते की मौत का मारता। और जे सानू पहले दसे जे तुसी सुन के जेल ना तोड़ सकते ते साड़ी ताड़ी यारी दी सान दस्तर जारी सी। जे गलत फेर पुराने बार पड़ो तानो पता लगे लाशा ते बर्फां दे प्लास ते रखने दे लालू दी लाश नू पेंड ते किस किस कुत्ते ने खाता। जेलों बाहर निकलो ते एसपी हैदर का पिंड जरूर पूछना जिन्हें तोड़े भरा लालू नु मारे है। पिंड कब्रिस्तान बना दोगे और तुसी अच्छ ही सुन लोगे सारे बलोच की पोटियां पिंड से किस किस करके तेरी बहुत फड़ा देवे या अपना सिर तरीके रख के साडे सामने आ जाए। साडे सामने आने की सब तो सौखी शर्त हुई है। वे मैं तक देख चुकी हूं
के तुसी किन्ने को पानी चो पर तुसी दारे नु नहीं तकिया जदो ओदा हाथ थे ते रन्ना दे सिरा तो दुनिया ने चौकाए ऐसे नहीं तेनू गोली तो तेरे तेरे मुंह तोरे जिन्ना पास तेनू माने अमी छेती मैदान दा असी तेरी चुन्नी दा गाना पन के एना कंधे च नहीं खुले मैदान च खलोते हां जा पलोच मंगे आनी ना मेरे पैर थले आई मिट्टी तूफान ना उड़ावे मेरी गलत कुछ लगना तो फिर अपने सिर से अपना कफना पल लाए तो टू है अपने सिर का सदका दे के दी लाश बुलंद तख्त पहुंचा दे आए जे मुड़ के ब्लॉक के मथे लगा वो पी देगा ते मैं तेरिया दोवे बावा ते दोवे लत्ता पन के तेनु लूला ते लंगड़ा कर पिंड वाले जेनु मेरे परच कुछ नहीं पता तेनु मेरे खाकों दे कुछ किसे सुनावे जेदा मुँह ठंडा कर दियो जेदा अफसर है ते अबर के दावे करता करता तू किन्ने कु पानी विचे मैं देख लेता है तारिया तू तू इंज कर के कार जाके सारी रात मेरी सूरत अपनी अखा विच फेरता रहो सवेर तक
तेरे पिंडे का सारा लहू जे तेरिया रगा विच दही वांगू ना जमिया ते मैं वो मैदान ही चुक के तेरे घर विच ले आवांगा जिस घर दी छत ते तेरे नाल मेरा जुद वेखदा बुढ़े बलोच नू लिशाओ के और जिथे सामने आवेगा ला देंगे इस वास्ते के तरीका तेरे कदे पिछे नहीं आए जे मैं तेन इतने मार दिता तो तेरी मौत की गवाही सिर्फ इस पिंड ने देनी तो तेरी तुम तो पिंड पिंड जा जाके पिंड पिंड कट्ठा करके लिया तो बलोचा कह कैसले दिया गोरियां उठा के लद के लिया मैं कल इंतकाम दे इश्तहार पाड़ के पुरजे पुरजे कर दे और सारे फलोच रब तो पा सिर्फ खान फलोच का पत्थर मार सकता है किते पैरों के निशान लभ्या लभ्या मैं जवान ते खान बलोच से काले चिट्टे हो गए ने खान बलोच दे चिट्टे ते उदी उम्र दा तकाजा पर मैं तेरे काले तेरी जवानी विच चिट्टे कर दिया बेटा आज तो बाद जो भी बेगैरत कब्रस्तान एक नमी बां की कबर वेखे जो तेरे घर ही तेन पैर कह के पैर रखे बलोचा इस तरह मान ली कोई कोई रखता है जान तो पहले इना सोच ले जा रहा दुश्मनी का जरा बीज तो साढ़े बूए के ला चलिया इन्हे जवान होके बार बार साढ़े सामने आना है तो बुटे हाथों दुश्मनी की फसल मैं नहीं उगा सकनी मैं सूरज नहीं जिन्हें डुब के दूजे दिन फिर चढ़ना है तुहानू जदों भी लोड़ पवेगी मैं तुहाडे पिछे खलोता हुआ नहीं दारिया इनू इज्जत समझेता मेरी गैरत समझेता अपने नाल ले जा मेरे को रुखसत नहीं कीता जाना जे गल है मां इनू दुआ दे के मेरे पिछे टोल दे जिथे जाएगा तेन ताजी अगे खलोती दिसी Sure.
खान बलोच है बुटिया ते तेनू ते उसे दिन मर जाना चाहिदा सी। ये दिन तेरी जगीरी तेरे तलप तो उच्ची बाज तेरी बीवी ने चीका मारिया सन। साढ़े सज्जे पासे वीर दा खाली कौड़ा पे यकीन कर खान बलोच अज के सवेली की जिसे मौके तक सेव नहीं उड़ेगा। हवेली च हर पासे इंतकाम से अग ही अग रह गई है। इन्हों लै जा साहब बहादुर, जे इन्होंने पिछे खान बलोच ना पहुंच सकिया ओदा पुत्र दारा सरोवर पहुंच जाएगा। मां, मैं तेरी बेस्ती का यह जहा पतला लवाना कि हशर के मैदान च उन्हों का निशान नहीं मिलेगा। तेरी बेस्ती की इंतहा हो सी मां, और मैं तेरी इस सत्य इंतहा कर दिया। तैनू किन्नी बारी क्या खान बलोचा के जिस खूए चो वास ना आवे ओदा कुंडा कड़ी कड़ी नहीं खटकाईदा। मैं सिर्फ यह पुछना आया पुत्रा,
के दुश्मनों मार के घर आने का दावा तेनू अज भी याद है या दुश्मनों का जोर वेख के तेरी जबान बदल गई है। सिर्फ पहाड़ वर्गी होवे दुश्मन मेरे इंतकाम तो उच्चा हो जावे ए तू कसम खा के भी सारे जग नु दसेगा कैसे यकीन नहीं करना बलोचा। ओए दुश्मन तेरे दरवाजे को लंघ के मेरे सिर से गजे तू अंदर वर के मां नु इज्जत दवे ते प्यू तेरा सारे आम बेइज्जत होवे और मैं किवे मन लवा के तू वाकई से दफा है। आज पहली बारी बलोच की हवेली बलोच के टल तो उच्ची आवाज दुश्मन की सुनी है किधरे ना होवे दारिया बलोच टिके ते अंज टिके जीवे पे औलाद टिके ने रापती सो कंड कटा खान बलोचा के तकदीर की तस्ती मां भी चली तेन नहीं लगन दिया तकदीर की तस्ती आवाज चलिया 20 साल हो गए ने तारिया जो तेरा भरा विछड़िया यो ते तेरा बची गया तारिया जे कतल भी हो जाता कंध कोई योजा चोर दरवाजा नहीं जिसे तू लंघ के तू कातला तक पहुंच आना तक पहुंचने लिए तेन चीर के भी चला पाया पहुंचा और तू कातलों के कथ च इस तरह फरेंगा बलोचा जिस तरह सिर सुट के पेट नाल पेट चलती है। पहला कतल भी तेरे सामने किया बाकी दे कतल भी तेरे सामने करा ते तेरिया रगा चो लहू इस तरह निचोड़ांगा जिमें तिला चो तेल कटी दे रगा नरम करके बोल ओए बलोचा रगा नरम करके बोल ओए मेरे दुश्मनों वापसी का टिकट कभी नहीं मिलिया तारे ने सामने खड़ो के उच्चा बोलन वाले तारे ने कभी आप वापस नहीं जा दिता याद रखे पुत्रा मैं अपनी छत से खलो के नु कह चुका कि बलोच नाल तेरा युद्ध पिया ते मैं छत से बह के वेखांगा टिकन ते डोलन लग्या दावा याद रखिया है जोर लैके बलोच सामने आने की जरूरत तेन किन दी ये पछाण गई बलोचा तेरी सुन ले तेरी दहशत दी तुम पिंड पिंड मैं भी तेन पिंड पिंड बेइज्जत करके थाने तक ले जाऊ सप दी खोटे चुंगल पाईयू आने दी शोक करदा भी इंतजार करी ओए मेरा का भाई आज तक मैं किसी को अपने काबे वाल कंड नहीं कर दी फिक्र ना कर
इनू खाए लाने लई जे किसे शरीफ आदमी की जबान ना खुली ते वर्दी ला के सिर ते कफन बन के मैं आप कचहरी आ जावा। जे तुसी इस्तीफा दे देता ते मैं इलाके दे उस अगाब नू किवें काबू करांगा जिदा ना चंद बदमाश है। चंद बदमाश की शहर और जैसी शराब के मटके ला के बदमाशी नहीं करता हो चंद नो गैरत मंदी जिदा पड़वैया फेरे बंदिया कतल हो गया थी चंद ने कातला नू कतल करन तो बाद अपनी भैन नू आप कतल कर दिता सी। सिर्फ इसलिए कि उहदी गैरत अपनी भैन का दूजा वर नहीं सी देख सकती। चंद बदमाश की गैरत नू याद करके एक बार मैनू भी देखता रहा अपना दूजा वर मैं भी नहीं देख सकता। तो फिर किधरे डूब के मर जा बलोच ने वापस नहीं आना। वे मैं खान बलोच के टुटे तल हेठ जाके बह जावांगी ते ऐ फैसला वक्त करेगा कि उस करो मेरी टोली निकलेगी या चला जा। खान बलोच दे अवेलेबल ना चाहिए ताजिए इसलिए कि मैं उस हवेली वाल मुद्दतों तो कंड की हुई है जे मेरे सजनों ने उस हवेली वाल मुंह किया तो मेरी आकर ध्यान का पोल खुल जाएगा। तो फिर तू ही दस पा रहा कली ताजी कितने जावे तो मां नू लेके किस छाते बैठे जिते बुआ ना खुले। ताजी तू अपनी मां नू नाल लेके ते चंद बदमाश ते डेरे ते टुर जा इसलिए कि मेरी गैरत का पार मेरे बाद वो ही चुक सकता जिन्हें अपनी भैन का तू चा वर न लभ्या हो जा अपनी मां नू नाल लैके उहदे डेरे ते टुर जा। चंद बदमाश कौन है? अपने आन का मकसद दस माई फिर तेन किसी चंद की लोड़ नहीं रहेगी। मैं जेड़े पार नू नाल लेके आई हाँ उन्हें तुसी सारे मिलके भी मोढ़ा नहीं दे सकते। तो कुछ चंद आवे तो उन्हें कह देना कि एक बेवा औरत अपनी पीर नू लेके मस्जिद विच बैठी है दी वाह वेख रही है आ पी वे। खैर जा माई मैं चन बदमाश का प्यो कालू झट्टा माई ये खैरात लैन आई है तो चोली फैला जो फरियाद करना आई है तो देर ना ला किसी दुश्मन का खौफ ही तो जा के दुध पी के सौ जा चन के बूहे से जेड़ा भी आवे जे मैं उसका काम करूं तो पहला उसकी कंध वेख लवा तो चन ने मैं प्यो नू कहना मेरे मोढ़े नाल खान बलोच की होने वाली नू ते दारे बलोच की इज्जत खलोती है जटा ओदे सिर ते हाथ रखन तो पहला दो गल्लां याद रखी जटा पहली है ते दारे बलोच ने अपने सके क्यों को वध इतवार चंद ते कीता है ते दूजी है साडे दुश्मनों की ताकत कले तकदीर भी खौफ खांदी है। असल गल ते तू भूली गई है भैणा कालू झट के बूहे ते ओदी धी नू आया तिन्नी देर हो गई पर कुपत्ता कालू हाले तक ओदा प्यो नहीं बनिया। चाचा ओ मुड़े तू कोई दौरी डंडा चल कोई दस ये डेरा सारा छड़ के सफा हो जा हूं ये डेरा साड़ी धी का कालू ये जगह साडे लिए बड़ी मुकद्दस हो कारखान बलोच की हवेली तो छोटा जरूर है मेरी धीए पर छतर छावे जेड़ा भी आ गया और मान कभी नहीं टूटा क्या बुरा खोल के घर बैठ सा जो दुश्मन ही घरों पैर बाहर कटे तो कह दिन चन्न बदमाश किसी कुत्ते का नाम से तू कि चले चाचा मैं चन्न लैके चानण
तेरे दुश्मन देखने चले आवा दिए वकत की धुप्पी छड़ के समझने वाली है सुधी लकड़ घर की पोची मेरी हवेली किवें आई है कितों आई है तेरा नाम बुलंद बख्त फिर जट की गल सुनो बुलंदिया मैं अपनी धी के जांझी वेखण आया ताजी बलोच जल्दी करनी मैं उसे ताजी का प्यो बन के आया वा क्योंकि ओए ताजी मेरे घर मेरे घर का रा सारा जग जानता है रब की सौ जे सारा जग तेरे बन के मेरे घर आ जाए ते एक फिरी ला के कालू जट नू दाजी दे अखी नहीं भूल सकते ओए जे दाजी दे अखी वेख के आया ते लौ सुत्ता वापस आएगा जट्टा बोलता जाओ बुलंदिया जट नू लज्जा चलना शुरू हो गया ही है कचहरियां वकील को किसी भी थाने की जीदारा की ठंड फुस जाती है जवाना के वजन कट जाते हैं तो बहादुरों की भुख मर जाती है शाह जाके पंजाब की कट चबू बोले पुत्रा की फंड रह तैन वेखन का स्वाद आवे तैन वहां का नशा मेरे घर इको बार आओ बुलंदिया होशिया चढ़ेगा तेरे 14 चमक रोशन हो जाएंगे अपने दिल से हाथ रख के दौड़ फेर के अपने पिंड च मेरे चल दिया चढ़निया बेहद दुश्मना दे भेजा सही जिमें अपने जग ने जग की धान तक गोटा रख दिता यह तेरा दुश्मन सिर्फ है बुढ़ा पुत्र समझा दे चटा मेरे घोड़े ने चिट्टे बेच के कभी सुन मिल चुके इनू का पूरा पिंड पुत्र बना के सामने ले आए इन पता लगे चन चढ़े तो चन नहीं होता अनेर पै जाता जबान तो जबान तो बात सुखी होगी मेरे वीर जबान तो घोड़े से बोलते सन जा अपनी जबान सच्चे वर्ग के तुर जा जे वीर जेल बच्च ना होंगे तो मैं थोड़ा सवाल तो बहार पता करता हो वापस तुर जा एनू जेल दे खर्चे ते वकीलों दिया फीसा दे तट प्यो हम चन पूरे तौर उठे आई जब वीर से चलाते उठे पुत्रा तो पहले दुश्मन लो मैं आप तोल लवा जिस सिर के चिट्टे वेख के तेरा घोड़ा सुम नहीं चुप सकता सिरे जिस सिर तेरे दीदार दिया डांगा बज बज के टुट गई पर लो की लकीर कभी नहीं फुटी जरा से चंगा खा के नहीं तोलिया
ਉਹਨੂੰ ਹੱਥ ਨਾਲ ਸ਼ੀਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ ਤੇਰੀ ਮਾਫ ਤੱਕ ਹੈ ਲਕੀਰ ਜਿਸ ਨਾਲ ਖੱਤਰ ਹੈ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਤੰਗ ਬਦਮਾਸ਼ ਨਾ ਮੰਨੀ जबान हो मैं सूरज नी कुड़िए जरा पहाड़ की चोटी ओले आके चल जाता है मैं कल चटना चाहना तेरे पूरे हाथ तेरे पिंड में आके चमकाना वे हम जेल में तोड़ना नहीं पै गया वीर मैं से आवगी आवेदा और जे नसो ते अपने निशान छड़ के जाना ये लब के मारना पिया ते कुत्ते दी मौत मार दिया भी ओए बदमाश इसी जिद से हुंदी है दुश्मना जिद छड़ दवे ते बदमाशी मुक्त जांदी है ओए ते फिर काली जट दी जिद भी सुनदा है मैनू दुश्मना तो पहला धारा बलोच चाहिए धारा ते जेल च पियो ओ जेल भी होवे तां भावे अगले जहान होवे तां ओ साडी धी दा साथ लाई होवे कालू जट दा ते पनमैया होवे चल बदमाश दा ते ओ जेल च रुल जावे तैनू बदमाश बलोचा अज तो बाद कचहरी नहीं चलेगा बहादुर यह दारा जिन्हों काबू करने लिए साढ़े कानून बदले ते जिन्हों जेल भेजने लिए पुलिसा परेशान हो गई ते जिन्हें खिलाफ गवाह लभदिया लभदिया कई अफसर घाट हो गए जज साहब कुछ भी तो समझाओ जरा अज अपनी बेटी से वर्दी ला के आ गया दस्यो साहब सारे पलोच के सामने उठने वाला सिर बच सकता है जिस सिर से टोपी हो गई ऑर्डर ऑर्डर तेरी रिपोर्ट के मुताबिक दारे ने कत्ल किया है इस कत्ल के गवाह किसने ने गवाह एक कोई है जनाबे आला ओ मैं इनू मान है जनाबे आला कि जिस मुर्दे नु गड देवे उनू कोई फुट भी नहीं सकता जिदा ये दुश्मन बन जावे उनू कोई बचा नहीं सकता माशाल्लाह कचहरिया चढ़े ते अदालतां नू ताले लग जांदे ने कचहरे च गज्जे ते गवाह चुप कर जांदे ने पर मैं दे खिलाफ इस तरह थक के दवाई देंगा कि तुहानू इस कातल नू कातल मन के फाय लाना ही पवेगा जे फाय ना लगा ते एक अदालत दे बूहे अगे मैं लावांगा ते फैसला इन्हें कतल करने तो बाद लिखांगा मिस्टर हैदर इंसाफ नहीं इंतकाम है मैं चाटी चौके हो कटना है जनाबे आला जे सिद्धी तरह ना निकलिया ते पुट्ठी उंगल नाल कटांगा पर कट के जरूर रहा काश तू मेरा दुश्मन होंदा होए और दुश्मन तू तके ही कदों ने अदालत का बुआ खोल के वेखेंगा ता जेल दी कंध तो वेखेंगा ता तेनु हर वेले ते हर पासे हैदर हैदर नजर आवेगा अगे तेरे दुश्मन कानून दे पिछे सज होरो मेरी कंध दे पिछे एह तला तेरे सिर तो तलेगी ते दुश्मन वेखेंगा ना ओए कचहरे खिलो के सवाल करी जा कानून पुछ पुछ के सजावा सोची जा पर मैं जवाब तनु खुले मैदान देने दुश्मन दिया लाशा ते पैर रख के फिर तनु पुछंगा कि हुण दस होए जाती चो क्यों किने कदया मिस्टर हैदर अदालत तनु
ਸਾਰੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੋਆ ਮੰਨਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਜਾ ਸਕਦਾ ਮੁਕਦਮੇ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਅਗਲੀ ਪੇਸ਼ੀ ਤੱਕ ਮੁਲਤਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਹੁਕਮ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤਾਰੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਦੂਰ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਭੇਜਿਆ ਜਾਏ तू कोई भी होवे मंजा सेटे चके पाते जा झुंडिया उच्चा बोल के तेरा प्यो मंगया कभी नहीं दिता दो चंद बदमाश करो रात के मैं मंगया चन्ना फिर तू घट जा यार कालू चट का पुराना ओदे पुत्र दे होंदिया पुलसा दे पैरे भी तै पुल टप जाए मैनु चंद बदमाश किन्ने कहना बलोचा तू थले उतरा तेरे बदमाशा तेनू चंगा तेरा पिया मुंडा कुत्ते खा जाएंगे ओए हुक्म कालू चट दा होवे हक मेरी भैन दा होवे हौसला मेरा अपना होवे तू तारा बलोच नाल ले जावे मैं खेत खान लई ते बदमाश नहीं बनया तो दी चमक मैंने सुन ली थी जे चन हो तो गोली मार दे जे दारा हो यकीन कर ले खानी का पुत अपने पीओ का जो कहता करके बखा दें कॉल पूरा कर दिता है एले फट बंदूक मेरा दारा पहुंच गया Thank you.
बार पैर रखी जा सी ते सत पिंडा दिया पगा पैर राई जा जान दिया सन। अज बार आया ते इंज लगा जिवें मिरासी भरी हुए ने। बोल आसमान तो उच्चे ते पहाड़ तो पक्के बुलंद बख्ती सिरी किन्ने लाल की दिए। और जेड़ा सिर्फ जवान पुत्र दी लाश वेख के नहीं घूमिया वो चंद बदमाश की चपेड़ वजन हूं चिकर घूम रहा है। लव दी नटका कर करके बुलंद बख्त दी सत गज दी पग भी लाल हो गई है पर लव रिसना बंद नहीं होया वीरो। या ए लव बंद कर दियो या चंद बदमाश दे लव विच प्यो ने भी गलत कर दियो। फिर तुसी जाके लाके दे थाने च बैठो साहब दी नस पाई ते पुलिस दा पसीना तुहानू आपे ही दस देगा। हुण तुहाडे सिर ते आसमान दा चन काटी चमकेगा ते फिर साहब भावे बड़ी ना भी करे तुसी कचहरियां ते जेल वापस ना आना पुत्रो। चंद दा कढ़िया लो तू हर वेले मेरी अखां च रहिंदा ते फिर फिक्र ना कर आपा अज कचहरियां च पैर जान नु कतल करन तो बाद ही रखांगे। ओए ऐ तूफान लेके तू किधर टुर पिया रेड़े दा मुंह चंदे करबल मोल होए। ये सवाल जो आज तो पहला कभी कांगा रुकिया सी ते तुहाडे अगे मेरी मां ने भी कीता सी। ओए बलोचा तू 20 सालां दा इंतकाम आखोए तुसी मेरी मां दे कातल हो इसलिए तुहाडे ते तो लैके अगले जान तक मेरा आके। ओए बलोचा मैं भी तेनू अगले जान दा ही टिकट देण आया वा। जिन्ने बगैर टिकटों सफर करना फिर उन्हें भी याद रखी है। रुक जाओ नहीं तो गोली मार जाएगा। मिस्टर हैदर ये सारे कानून दे मुजरम ने तू इन्हों को पास हो जा। एक तारा बलोच से मैं पहले भी इनू तुहाडे हवाले किया सी इंस्पेक्टर साहब एदे गल च कानून का पट्टा पाण लई मैं अपने अख्तियार छड्डे वर्दी वापस कीती पर तुहाडे कानून दे लम्मे हथ बलोच नू हथकड़ी च वेख वेख के छोटे हुंदे गए। जे हुण भी तुहाडे कानून दियां कंधां टप गया ते मैं एदे सिर ते बर्फ ते ब्लॉक रख देने जे फिर ना मैनू कहना कि मेरे हथों कानून दी टुट तो भज हो गई है। हैदर कानून कानून है एनू तोड़ेगा ते मैं तेरे खत नू दो दो हथकड़ियां ला देंगा। मिस्टर जावेद इन्हों का पीछा करो। ओए चन ओए की कीते मेरे यारा बलोचिया जेड़ा दुश्मन असा तैनू नहीं मारन दिते तेरा खून कतल कर देंदा तेरी जिद ते साडे दौर दा पोल खुल जाना सी। मैं तिन्ने लाशा तैनू ताजी दे बाग च दे दिया। ओ चन चन फादर मेरी एक गल कन खोल के सुन लेना जे मेरे यार नु इते पैरा ते खड़ा करके मेरे सामने ना ले आए ते मैं इते घर तो लेके दुश्मन दे घर तक लंघता दरिया बगा देंगा। तू भी मेरी गल सुनोए बलोच के खिलाफ उठन वाले हथ बोलना भी जबान में पुटे खान दे टुटे अटल थले दब के दुश्मन लपड़े नहीं। मेरे होंदिया है मच्छी कदी मगर मच्छ नहीं बन सकती। बेला दसेगा खेड़ा एनू जेल ते चानू अस्पताल लै चलो।
ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਵੜ ਰਿਹਾ ਤੇ ਲਹੂ ਮੇਰੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਆ ਗਈ। ਜੇ ਦੀਦੇ ਲਾਲ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਲਾਸ਼ਾਂ ਦੇ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਕਰਦਾ ਕਰਦਾ ਥੱਕ ਜਾਏਗਾ। ਕੋਈ ਇਹ ਅੱਖਾਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਖਾਨ ਬਲੋਚ ਦੀ ਨੂੰਹ ਵੀ ਵੇਖੋ ਚੰਨਾ। कंजरी टिका होया नोट न चुके कालू जट टिके हुए अपना पुत्र मान लगे। ऐ नहीं हो सकता दाजिए, ऐ नहीं हो सकता चाचा। फिर तुम सुन लो चन्ना, आज तो बाद असी दाजी ने अपनी धीन नहीं पहना। जे तू दाजी मेरी धी समझ नहीं छाल मार के पनीर तो उठ खलो चन्ना, उठ खलो। बदमाशा मां आराम का नहीं ते कल प्यो का अखा मोड़ दिया। प्लीज जे खून इसे तरह जारी रहा तो मर जाए। अच्छा डॉक्टर हूं चंद कल पार नहीं हुआ सकता। एन सुंगली ना सुनिए ऐसी गर्मी से गैर कार जाद्या तक दसती रहेगी तन सत्ते खारा ने। चलिए सानू मंजे से वेख के तेरा ईमान क्यों टोल गया। रब की सौ मान ते इना है कि कुछ भी नहीं लगता पर मां जाया लगना है। और फिर हाथ के दफा हो जा मर जानिए ते दुआ मंग रब छेती तो छेती तेरे दुश्मनों नू चंद चानन च लै आवे। ए चादर ते
मेरी मां दी है। अपनी मां की चादर से नजर आ गई है। तू तो इस पिंड का अपहास है हैदरा, जिसे पिछे खलो के बंदा हर आफत तो बच जाता सी। वे मैं तेन तकदीर को बड़े पहाड़ नू धक्का पाद देखे हैदरा, मैं दस दे आज तकदीर ने अपनी बागलानू का वास बना दी है, कैसे बना दी है। लालू दे वास्तां दी इस कन्न धक्का देन तो पहले इन्ना याद रखी वे, इन्हां दे खौफ तो मावां दे हत्थों दुध पींदे बाल भी डिग पैनी, ते मरन वालियां दी लाशां ते आके मावां नूं रोण दा हौसला भी नहीं पिया। किन्नी बारी इहो जे कुत्ते मेरे पिछे आए ने, पर मेरे पैरां दी धूड़ विच ही फौंकदे रह गए। जे मैं इन्नी देर चुप रहा वा ते सिर्फ इस लई कि जिस मां दी चादर से चमकन लग्या सूरज भी नीवी पा लवे, उस चादर नू तुहाडे नापाक हथ किस तरह पहुंचे ने। हथ लाशां दे आसे पासे बर्फ दे ब्लाक रखते रखते फुटे हो चले ने। हथ रब दी सौ जिन्ना हत्था ने मेरी मां नू बेइज्जत कीता है, उन्ना हत्था नू हैरान के काबल ही नहीं छड्डांगा। रुक जाओ, तुसी इन्हां दा पिछा करो। मैं इस तो बाद कुछ नहीं कह सकता मिस्टर हैदर कि तू मां दा मान रखन लई अज कानून दा मान तोड़ दिता है। कानून ने मेरा मान नहीं रखिया तो मैं भी कानून दा मान नहीं रखूंगा। इहदा फैसला अदालत विच होएगा। देर नाल मिलन भी आयो ते अपने पिछे तारे की धुन ते तैश का तूफान छड़ के आयो। इन्हों दस दे कादरिया दुश्मन ते साडे प्यू का भी जिंदा होवे, ते असीं उहनू प्यू नहीं मन्निया ते इन्हों यार किवें मन लईए। कानून दिया कंधा पिछे खलो ते दुश्मन तक गोली कदी कदी पहुंचती है बहादरिया। जे साडा दुश्मन जिंदा ते लालू दा कातिल दी वर्दी ला के साडे आसे पासे घूमदा जाए हैदर दे पिंड ते
ਉੱਠਦੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋਏ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਅੱਧਾ ਪਿੰਡ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਬਰਸਤਾਨ ਬਣਾਇਆ ਤੇ ਅੱਧਿਆਂ ਨੂੰ ਹਜ਼ਰਤਾਂ ਪਹੁੰਚਾ ਕੇ ਆਇਆ ਜਿਸ ਦਿਨ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕਤਲ ਕਾਚ ਅਸੀਂ ਵੜ ਗਏ ਉਸ ਦਿਨ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਪਿੰਡ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਬੇਗੈਰਤਾਂ ਦੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਖਾਬ ਤੋੜਦਿਆਂ ਤੋੜਦਿਆਂ ਤੇ ਮੈਂ ਖਾਨ ਬਲੋਚ ਬਣਿਆ ਬੇਗੈਰਤਾਂ ਮੇਰੀ ਕੰਡ ਪਿੱਛੇ ਮੇਰੀ ਬੀਵੀ ਦੀ ਕਬਰ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਮੇਰੇ ਉਸ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਵੀ ਜਿਹਦੀ ਅਣਵੇਖੀ ਕਬਰ ਚ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁੱਟ ਕੇ कंड पिछे खलोते मेरे दुश्मन मैं चंगी तरह जानते ने बलोच इंसाफ बन के आवे इंतकाम बन के आवे हमेशा कला आना की सजा मेरी हवेली की कंध से लिखी गई है अमल टुटे हुए कंध से जाके होगा मेरे अगे लगा सजा ना भी मुकी ते जेल तोड़ के लावांगे तेरे को सौ गज दूर हो उसे तुम तेन दूजा सौ नहीं आता मैं बलोचते नहीं बलोचा पर मेरे बिच जिद बलोचा वाली है ते बैर ऊंट वांगू करना वा सोए मैनू अपनी मां दी अज या तेन मार देंगा या आप मर जाऊंगा वल अज तेन मैं दसा बर्फ के बलाक भावे ना भी हो दुश्मन नू ठंडा कर नहीं जाएगा
ਜਾ ਗਈ ਤੇ ਖਾਨ ਬਲੋਚ ਤੇ ਇਸ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖੀ ਹੋਏ। ਕਿੱਥੋਂ ਦੌੜਦਾ ਦੌੜਦਾ ਕਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਆ ਗਿਆ ਵਾ, ਲੱਭਣਾ ਬੇਗੈਰਤਾ ਨੂੰ ਸੀ, ਪਕੜਾਣਾ ਭਰਾ ਨਾਲ ਪੈ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬਦਲਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਵਾਰ ਭਰਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਓਏ ਸੁਣਿਆ, ਤੈਨੂੰ 6 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਹੋਈ ਹੈ, ਪਰ ਸਾਰੇ ਬਲੋਚ ਨੇ ਆਪਣੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੂੰ ਇੰਨੀ ਲੰਮੀ ਤਰੀਕ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਉਹ ਦਿੱਤੀ। ਦੱਸ ਓਏ ਹੁਣ ਕਦੋਂ ਮਿਲੇਗਾ? ਓਏ ਬਲੋਚਾ, 6 ਕਦਮ ਚੁੱਕਾ ਤੇ 6 ਮਹੀਨੇ ਮੁੱਕ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਹੋਏ ਕਿ ਤੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੰਧ ਬਣਨ ਦਾ ਸਵਾਦ ਆਏਗਾ। ਜਿਹੜੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਮਾਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਤੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਨਹੀਂ ਮਰਨਗੇ। ਜੰਜ ਬੂਏ ਤੇ ਵੇਖ ਕੇ ਜਿੰਨਾ ਦੁੱਖ ਤੈਨੂੰ ਲੱਗਾ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੁੱਖ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਹੈ ਓਏ ਚੱਟਾ, ਕਿ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕ ਅੱਧ ਮੋਇਆ ਬੁੱਢਾ ਬੁੱਤ ਖਲੋਤਾ ਹੈ। ਓਏ ਤਾਜੀ, ਤੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਚੰਦ ਕਦਮਾਂ ਤੇ ਖਲੋਤੀ ਹੋਈ ਬੇਗੈਰਤਾ, 6-4 ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਨਸਲ ਦੇ ਦੁੱਧ ਪੀਂਦੇ ਦਾਗ ਨਾ ਮੁਕਾ ਦੇਵਾਂ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਜੱਟ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਨਾ ਦੇ। ਨਹੀਂ ਦੇ, ਅੱਜ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਨੂੰ ਦੌੜਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਵੀ ਦਿਆਂਗੀ ਤੇ ਮੈਦਾਨ ਵੀ। ਮੇਰੀ ਦੁਆਏ ਬਲੋਚ ਵੀ ਆਵੇ ਤੇ ਚੰਨ ਬਦਮਾਸ਼ ਵੀ, ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਭੇਜਣ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਤੇ ਬੰਦਾ ਦਿਓ, ਅਸਲਾ ਨਹੀਂ ਤੇ ਅਸਲਾ ਦਿਓ, ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਤਾਂ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰੋ। ਜੰਜ ਪਾਜੀ ਦੀ ਬਲੋਚ ਤੇ ਚੰਦ ਬਦਮਾਸ਼ ਦਾ ਜਨਾਜ਼ਾ ਚੁੱਕ ਕੇ ਚਾੜਨੀ ਹੈ। ਹਾਂ 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 ਹਾਂ, ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਨਸ਼ਾ ਤੇਰੇ ਪਿਓ ਨੇ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਤੇ ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਤੂੰ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਦਾਅਵਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਿਓ ਦਾ ਮੱਥਾ ਜ਼ਰੂਰ ਵੇਖ ਲਈ, ਜਿਹਦੇ ਮੱਥੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅੱਜ ਵੀ ਕਤਰਾ ਕਤਰਾ ਖੂਨ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੈ। ਉਹ ਵੇਖ ਜਿਹੜਾ ਫਾਟਾ ਜੱਸਾ ਤੈਨੂੰ ਲੈਣਾ, ਉਹ ਕਮਰ ਚ ਵੀ ਰਿਸ਼ਤਾ ਰਵੇਗਾ। ਆਪਣੇ ਖੱਬੇ ਸੱਜੇ ਘੋੜੇ ਤੁੜਾ ਲਾ ਵੱਡੇ ਚੱਕਾ, ਅੱਜ ਗੈਰਤਮੰਦ ਅਭਿਆਨ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੈਰਤ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਮੁਜਰਾ ਵੀ ਹੋਵੇਗਾ ਤੇ ਭੰਗੜਾ ਵੀ ਪਵੇਗਾ।
जवानी उम्र न मेरी प्यादा गिनती करके रख बैर ने अज का चढ़िया चन्न किसी गल ना डुबेगा बाद देखोगे बेगैर तो एक मैदान अग मरण तो पहले देखोगे और तू इन्हें मार के भूल जाना पलोचा पर मेरा घोड़ा अगले जानवी इन्होंने पिछे रहना ही (laughs)
ਸੱਚੀ ਰਾਇਆ ਬੈਰ ਦੀ ਛੱਤ ਡੋਲਣ ਤੇ ਆ ਗਈ ਹੈ ਬੈਰ ਦਾ ਮੁੱਢ ਚੁੱਕ ਕੇ ਇੰਟੈਸ਼ਨ ਤੇ ਬਹਾ ਦਿਓ ਬੂਆ ਖੋਲ ਕੇ ਲੋਚਨ ਸਾਡੇ ਅੱਗੇ ਲਾ ਦੇ ਹੇ ਰੱਬ ਕਾਲੂ ਜੱਟ ਦਾ ਕੰਜਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕਿਤੇ ਕਿੱਲੇ ਦੇ ਬੱਜੀ ਹੋਈ ਬੱਕਰੀ ਨੂੰ ਸ਼ੇਰ ਨਹੀਂ ਖਾ ਸਕਦਾ ਉਹਦੀ ਕੰਡ ਪਿੱਛੇ ਖਲੋਤੀ ਧੀ ਨੂੰ ਤੱਤੀ ਬਾਹਰ ਕਿਵੇਂ ਲੱਗ ਸਕਦੀ ਹੈ मेरे अपना बदमाश तो तेन सारा जग कहता है त्रास दादी कहती मेरे अपना जे भैन का रिश्ता टूटता वेखी ते अपने हथी भैन मार देनी अपने हथी छां तले अपनी ताजी नूं हर खतरे तो महफूज समझना इहदा ख्याल रखी यार
गोली जंग लगन से आ गया। चंगा किता ही अपने कानून के सामने आ गया। यार ती कंडी कचड़ी ना साफ दुश्मन मार के ना सही और मार के सही। ताजी का वेड़ा चमकता ही रहेगा। चलिए पै तू दुश्मन की परवाह न कर, उन्होंने तराब मार देगा, तराब मार देगा। मैं तेरा सज्जन ही नहीं,
मां जाया प्रावीया मेरे मोदे नाल खलोता रहा और मैं रस्ते च डिगना छड़ दिते ही हुए मैं रस्ते च डिगना छड़ दिते ही फिर उन्हें ना तो कोई भी बच के नहीं चाहेगा वे नहीं चाहेगा हाथ रोक लो इन्हां नूं मारन दा हक सिर्फ कानून नूं है इन्हां नूं फोन नहीं जा रहा तेरे पिछे कानून तो भी उसी कंध खड़ोती है जा किल-किल मुकादे में टिक दरिया वा आते कर ले उन्हों आज मैं तेरे को बैर भी लाऊंगा ते फिर भी वसूल कराऊंगा अबे फैदर मैं अपने प्यो दे मुजरम नु ले आया वा फैदर तेरा कानून सोचा सा बदर जो सोचे तो इंसाफ होया खान बोचा एनु सो ना ला जा ये मेरे इंतकाम